Subscribe and click the bell icon for television updates. Response बहुत ही बढ़िया है. अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं कि इट्स शार्प, इट्स क्रिस्प, इट्स एक्सप्लोजिव, इट्स फायर, इट्स मैडनेस. तो बिग 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 शाउट आउट स्पेशली टू द पीपल हु मेड द ट्रेलर. आई थिंक देव गॉट इट जस्ट राइट. कोई भी देखता है, चाहे वो पॉलिटिकल ड्रामा फॉलो करता है नहीं करता, इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड दैट इज़ वॉट इज ऑल अबाउट. सब दिख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिख रहा. सो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट द ट्रेलर एंड द लव दैट्स पोरिंग इन. आई थिंक वी जस्ट टोल्ड दैट वी क्रॉस्ड 9 million ऑन द व्यूज, 9 point something. So great, yeah. Just monetize that and send us the money also. First of all, yes, of course, we are very happy that 9 million plus views on the promo. एक ये ही बहुत clear indication है कि लोगों को you know promo बहुत पसंद आ रहा है, बहुत intriguing है, engaging है. And I think it's a perfect teaser because yeah. जैसे नितिन ने कहा कि सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है. So definitely we are very happy with the kind of response we are getting. For the trailer and अब जब शो 30th September को Disney Plus Hotstar पर रिलीज होगा तब जब ऑडियंस देखेगी तब बाकी का फटेगा रिएक्शन. वी आर वेटिंग फॉर दैट. आई थिंक दे विल लव, हेट, फील एवरीथिंग फॉर द रॉय फैमिली. जिस तरह से उनका ग्राफ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग कन्फ्यूज भी रहोगे कि यार मुझे कैसे फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है. बट ऑल्सो इट्स सो क्लोज टू एवरीबडीज लाइफ. Like you don't have to be the royal family to have a dispute, to understand power dynamics. So I think that's a very beautiful way ki ye show likha itne bade way mein hai, lekin iski details itni level pe chal rahi hai that everybody will be able to relate to that. And they will love to hate the royal family. Well, I would like to say ki har family mein disputes hote hain, har family mein anban hoti hai, bahut natural cheez hai ye. जब बड़े स्तर की फैमिली होती है, जो बहुत बड़े बिजनेस फैमिलीज़ होते हैं, अक्सर देखा गया है कि एक पावर स्ट्रगल होता है, एक पावर डायनामिक्स होता है कि हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है. एंड आई थिंक रॉयस का यही एक यू नो चल रहा है कि हु विल गेट द पावर, हु वांट्स द सीट सो बैड दैट दे विल डू एनीथिंग टू गेट इट. जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो एक पावर स्ट्रगल में कहीं ना कहीं क्राइम भी इन्वॉल्व होता ही है, चाहे बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर. हमेशा देखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा एक इन्वॉल्वमेंट होता है. तो जब क्राइम है तो वहाँ पर डेफिनेटली पुलिस भी होगी. सो दैट्स व्हेन नितिन्स कैरेक्टर रघुवीर एंड माय कैरेक्टर मोनिशा रे कम्स इन. ही प्लेज माय बॉस इन द फिल्म. फाइनली इट्स अबाउट टाइम. इट्स अबाउट टाइम. बट यस, सो या वी आर जस्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम दोनों ही एक ऐसे कैरेक्टर निभा रहे हैं जो हमने पहले कभी किया नहीं है. रादर आई थिंक पहले कभी हमें ऐसे कैरेक्टर ऑफर भी नहीं हुए. तो जब हटके आपको एक डायरेक्टर और राइटर देखते हैं कि आपने जो किया है उसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो आई थिंक वी वुड हैव टू गिव इट टू यू नो रेहान खान एंड रवि अधिकारी टू थिंक ऑफ अस दैट वी कैन डू समथिंग एंड पुल इट ऑफ लाइक दैट. एंड बिलीविंग, सो थैंक यू फॉर बिलीविंग. ट्रू सर, मुझे तो इतना पता है कि पुलिस हमेशा आपको फॉलो करती है. बट मैं अगर पुलिस को फॉलो करूँ तो बहुत बड़ी बात है. बट हाँ, फॉर द कैरेक्टर वर्क आई डिड फॉलो सम कैरेक्टर्स बिटवीन आर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड बिकॉज द कैरेक्टर ब्रीफ आ गया था. मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ. मैं ऑलमोस्ट 17 years से मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ. तो मेरा जो आउटलुक है, जो लोग देखते हैं वो बड़ा कॉमिकल देखते हैं कि ये तो हंसा देगा, ये कर देगा. ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत शार्प है. ये ऐसा CBI हेड है जो सोचते वक्त बात करता है, बात करते वक्त सोचता है. तो यू नेवर फील कि यू नो ये बहुत मतलब एंड नॉर्मली दैट्स हाउ दे आर. तो उस पर थोड़ा मैंने हमने केस स्टडी भी की टू अंडरस्टैंड वो बात कैसे करते हैं. बिकॉज ये कोई सवाल नहीं पूछते, वो एकदम फर्म एक टोन होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है और बोलते कम है सुनते ज़्यादा है. और जो सुनते हैं वो जब आपको बताते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार इसने कैसे बात पकड़ ली. तो उस पर हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की टू रियली ऑब्जर्व. पर्सनली आई मेड इट अ पॉइंट टू स्टार्ट लुकिंग इनटू पीपल्स आईज एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग ऑन सेट एज वेल. कि नीचे कभी नहीं देखना है बिकॉज दे डोंट. और आप कभी एज अ CBI ऑफिसर देयर मेन, अगर वो आपकी आंखों में देखेंगे आधा टाइम तो आप खुद ही उगल देते हो कि मैंने क्या किया. सो बिट ऑफ रिसर्च, वो इंटरनल वर्क वर्कशॉप हमने किया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड यार, आई गॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर जो मैं हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ. वाओ, आई थिंक जैसे आपने कहा कि सास बहू अचार वॉज वेरी वेरी डिफरेंट देन वॉट यू आर सीइंग हियर. आई थिंक हर एक्टर
ग्रीडी होता है कि उसको हर तरीके का रोल ऑडियंस के सामने पेश करना है, और सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, एक अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए. तो आई थिंक जो आपको सर्व किया जाता है आप उसमें से बेस्ट पिक करते हो, कि जैसे सास बहू आया वो बहुत ही वनरेबल सॉफ्ट एक बहू का कैरेक्टर था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक ऐसा कैरेक्टर आया जो बहुत रुदलेस डिटैच्ड नो नॉनसेंस कैरेक्टर है, जो सीबीआई ऑफिसर मोनिशा रे का है. तो आई थिंक कैसे सिलेक्ट करते हैं, आई थिंक ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, बट वी डेफिनेटली वेट कि कुछ ऐसा है जो आपको एक्साइट करे, क्योंकि गर्ल नेक्स्ट डोर ग्लैमर तो वो बहुत कर लिया है और अभी भी करना है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ हीरो, यस, और वो अभी भी करना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज, इंटरनल चैलेंज भी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट लाइक अ बैंक फ्रॉड, दैट इज समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू, बिकॉज बहुत लोगों के और बहुत लोगों की मेहनत के पैसे स्कैम में चले जाते हैं, एंड इट्स वेरी पेनफुल. और पर्सनली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ. सो आई फील दैट समथिंग दैट आई वुड वांट टू इन्वेस्टिगेट इज डेफिनेटली अ बैंक फ्रॉड. एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो इन द सिमिलर थिंग, द बैंक फ्रॉड, बिकॉज देन आई कैन डू इट. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक बैंक फ्रॉड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स एक बहुत ही बढ़िया सीरीज अभी, जो ऑफकोर्स इट्स ऑन अ डिफरेंट चैनल, बट जमता रहा. You know, that mobile kind of mobile scam, and I think I'd like to solve that, because उसमें ऐसे इंसान की समझ आ जाती है कि एक इंसान जो चेहरे से बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं लगता वो अलग लेवल पे जीनियस हो सकता है, शातिर हो सकता है. तो आई वुड लव टू सॉल्व समथिंग अराउंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज दैट्स इन द वर्ल्ड वी लिविंग इन. नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल, आई वुड से फेयरली ओल्ड बट यंग इन दिस बिजनेस, बिकॉज कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें रुक गई, होनी थी नहीं होनी थी. मैं ज़्यादा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रोसेस ऑफ यू नो गेटिंग इन टू कैरेक्टर में ज़्यादा हूँ. सिलेक्शन, टू बी ऑनेस्ट सर, आई डोंट थिंक एज एन एक्टर आई कैन से हमारे हाथ में कुछ है. अब ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट हो जाए, सिलेक्ट हो जाते हो फिर भी कॉल नहीं आता. तो आई थिंक समटाइम्स द रोल सिलेक्ट्स यू, एंड वेन द रोल सिलेक्ट्स यू देन यू सरेंडर. तो दैट्स वन थिंग दैट आई हैव लर्न टू डू इज सरेंडर, and also understand that the character is bigger than the actor. तो character की क्या demand है, चाहे मैं comedian हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा background है, मैं दुबई से हूँ, but अगर character CBI officer है, you know, he is from Gujarat, he is from wherever, तो I have to respect कि भैया character जिस writer ने लिखा है उसको मुझे respect देना पड़ेगा. actor थोड़ा backseat लेकर the character will shine. thinking on your feet, yes. sharpness, observing and making sure that you know you are ready for anything, कि कहीं से कुछ भी आ सकता है. तो ये चीज़ें, being a comedian in India right now, I am quite close to being a CBI officer, because कहीं से कुछ भी आ सकता है, किसी joke पे भी. तो that is one quality I feel, great question, but that's a great quality that both I think possess. Just like you said that COVID has changed a lot. You know, लोग एक डेढ़ साल घर पे बैठे, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ उनके पास टेलीविजन था फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ व्यूइंग, एंड ओटीटी बूम भी एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ. ऐसा नहीं है कि पहले नेटफ्लिक्स या अमेजोन नहीं थे, बट सडनली ये जो एक डेढ़ साल में बूम आया है ओटीटी का, पीपल हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि सिनेमा हैज़ नाउ बिकम अ सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस rather than just किसी भी फिल्म के लिए चले गए. ऑफ कोर्स उसके और एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं why थिएटर्स अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट बीन डूइंग वेल, बट लोग एक कम्फर्ट लेवल में आ गए हैं. और हर स्टोरी 70mm स्क्रीन के लिए नहीं बनी है, ये अब हमने रियलाइज़ कर लिया है. पहले ऐसा होता था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 हिंदी फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, पर आज OTT पे आप देखेंगे 5 से 7 से 8 OTT शोज अलग अलग चैनल्स पे रिलीज़ हो रहे हैं. सो आई थिंक डेफिनेटली देर इज़ नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट विच इज़ पर्टिकुलरली ओनली फॉर OTT. एंड OTT आई थिंक ऑल्सो गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म कि आप एक स्टोरी को बहुत इन डेप्थ में बता सकते हैं, एक 8 एपिसोड में उसको ब्रेक करके, जो 3-4 घंटे की व्यूइंग होती है उसकी, वही आप एक फिल्म में नहीं कर सकते. आप अभी भी सीमित हैं कि 1 hour 45 minutes 50 minutes 2 hours तक आपको वो फिल्म कंप्लीट करनी है. सो आई थिंक बहुत स्टोरीज रिक्वायर एन इन डेप्थ स्टोरी टेलिंग, एंड आई थिंक OTT गिव्स यू दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर इट. या आई थिंक OTT, I think I would like to describe them. OTT जो लोग पसंद करते हैं वो लोग पसंद होते हैं जो लाइफ में पॉज दबाना उनको बहुत पसंद है.
कि मैं जहाँ भी मैं ज़िंदगी में पॉज दबा दूँ कहीं पे, फिर मैं वापस आके आई री स्टार्ट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा एक्सपीरियंस इन्जॉय करते हैं, बट इन जनरल अंजना इज़ एब्सोल्युटली राइट दैट आफ्टर कोविड एक नया किस्म का हंगर फॉर कॉन्टेंट आया है. लोग ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि हम लोगों को अभी पागल नहीं बना सकते. उनको पता है अच्छी स्क्रिप्ट क्या है, बुरी स्क्रिप्ट क्या है, कि भैया ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये घटिया एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग है. तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट डजेंट वर्क. तो एक वो पैटर्न बहुत पुराना एक पैटर्न था, वो ब्रेक हो गया. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस दैट एवरीबडी इज एक्सेप्टेड. एंड प्लस ऐसी जगह जहाँ सिनेमा नहीं पहुँच पाया, OTP उस घर में पहुँच चुका है और राज कर रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स दे बोथ हेल्प ईच अदर, कि OTT भी वो बता दे कि चलो आप ये जाके देखो, वो जाके देखो. इवन बिग फिल्म्स दे हैव टू कम ऑन OTT. या दे हैव टू, बिल्कुल. आई फील दैट यू नो इट इज लाइक सच अ ब्लेसिंग टू बी इन दिस टाइम एंड एरा ऑफ OTT, बिकॉज गिने चुने एक्टर्स, मतलब टैलेंट तो इतना भरपूर दिखाई दे रहा है आपको. सो आई एम वेरी हैप्पी.